कदर तालिबीन उलूम नबूवत जिन्होंने इंतज़ामी तालुम का एक बड़ा मुबारक मरहला मुकम्मल किया है और इस बाबरकत इदारे से वो अपना तालीमी दौरानिया और तरबियती एक मरहला मुकम्मल करके मैदान अमल में उतरने वाले हैं। इस मजलस में शरीक ये हमारे फजलाए किराम जो अपना आखिरी सबक उन्होंने सुनाया और इसके मुतल्लिक इस फ़कीर की कुछ गुजारशात सुनने के लिए मौजूद हैं और बहुत ही लायक तकरीम और काबिल एहतराम मेरे अहबाब, मेरे बुज़ुर्गों, भाइयों और अजीज़ों जो इस मजलस में तशरीफ़ फरमा है। हकीकत ये है कि ये मजलिस जिसमें कुरान मजीद की तिलावत की जाए और जिसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस बयान की जाए, ये बहुत ही बाबरकत और बाआज़मत मजलिस होती है कि जब कुरान पढ़ा जाता है और कुरान सुनने के लिए आप हमा तन गोश होकर सुनते हैं तो ये अल्लाह का कलाम आप सुनते हैं मोहब्बत के साथ, ताज़ीम के साथ। और हमारे मोहतरम क़ारी साहब अल-मुक़री मोहम्मद नौमान जाफ़र साहब सल्लमहुल्लाहु वबारक फ़ीही वज़ादहु तौफ़ीक़न, इन जैसी ख़ूबसूरत आवाज़ में कुरान सुनना इसका अपना एक लुत्फ़ भी है, लज्जत भी है और एक एज़ाज़ भी है कि जो कुरान सुनने के लिए बैठे होते हैं अल्लाह के फरिश्ते इनको अपने घेरे में ले लेते हैं और वो इनको अपने घेरे में लेकर दूसरे फरिश्तों को भी बुला लेते हैं जो इस तरह की ज़िक्र की मजलसों की तलाश में होते हैं। वो कहते हैं कि आओ, तुम्हारा मतलूब यहाँ मौजूद है, वो भी आ जाते हैं। तो हदीस में आता है कि इतने फरिश्ते इस मजलस को घेर लेते हैं कि एक परे के ऊपर दूसरा परा, दूसरे के ऊपर तीसरा, और ये उनके परे आसमान तक पहुँच जाते हैं। फरिश्तों ने घेरा होता है। और इसी पर बस नहीं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन बैठने वालों का नाम लेकर अपने दरबारी फरिश्तों में जिक्र करते हैं और फख्र करते हैं। कितने खुश नसीब हैं आप लोग कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका नाम लेकर अपने फरिश्तों में फख्र फरमा रहे हैं। और हकीकत यह है कि अगर इंसान को इस इज़्ज़त का सही शऊर हो कि अल्लाह किसी बंदे का नाम ले तो इंसान इस खुशी को जब्त नहीं कर सकता। कितना ऊंचा मकाम है। और फिर हदीस की मजलिस, बेटे ने जो सनद पढ़ी है और इसमें जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द हैं मोहतरम मोहम्मद इब्न यूसुफ अल फिरबरी, जिन तक हमारी सनद पहुंचती है, वो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बताते हैं कि एक दिन इमाम रहमतुल्लाह अलैह ने अहादीस लिखवाई। वो शागिर्दों को हदीस सुनाते थे और शागिर्द उनसे सुनकर लिखते थे। तो कहते हैं कि उन्होंने बहुत सारी अहादीस लिखवाई और उन्होंने महसूस किया कि शायद मैं उकताहट का शिकार हो गया हूँ और मैं थकन, मेरे अंदर उन्होंने थकन महसूस की। तो उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाने के लिए और मेरी हिम्मत बंधाने के लिए ये कहा कि अजीज़म, अल्लाह अकबर, दुनिया इस वक्त कोई अपने खेत में है, कोई अपने कारखाने में है, कोई अपनी दुकान में है, कोई अपने डेरे पे है, अपने मशागिल के अंदर मुनहमिक है, और तू कितना खुश नसीब है कि तू हदीस की मजलस में है, तू अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा की मजलस में है। ये कितने बड़े एजाज़ की बात है। इसलिए ऐसी मजलस में जब इंसान आए तो बड़ा बाअदब होके आए और तालिब बन के आए, मुश्ताक बन के आए, शौक और मोहब्बत के साथ आए और कुछ लेने के लिए आए कि या अल्लाह कोई ऐसी बात
मेरे पल्ले पड़ जाए और मेरे दिल में उतर जाए, जिससे मेरी ज़िंदगी संवर जाए, मेरी ज़िंदगी बन जाए और मैं तेरे बंदों में शामिल हो जाऊँ और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे उम्मतियों में शामिल हो जाऊँ। काबिल एहतराम हज़रात गिरामी, इस मौके पर मुझे मालूम है कि उलमा व मशायख भी मजलिस के अंदर हैं और हमारे मुआशरे के मुअज़्ज़ज़ीन पढ़े लिखे हजरात भी मौजूद हैं इस मजलिस के अंदर, और दीन से मोहब्बत रखने वाले हमारे बहुत सारे अहबाब देहाती इलाकों से भी तशरीफ़ लाए हुए हैं। इसलिए मैं कुछ इस तरह की गुफ्तगू आपके सामने करना चाहता हूँ जिसमें इन तमाम तबकात का लिहाज रखा जाए। सबसे पहले तो मैं आपके सामने इस किताब के बारे में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या आज़मत दी है, और किताब के बारे में जानने के लिए पहले इसके मुसन्निफ़ के बारे में जानना ज़रूरी होता है, और मुसन्निफ़ का जो इम्तियाज़ है वो ये है कि वो इस दीन के इलम के इमाम हैं, अमीरुल मोमिनीन फ़िल हदीस, सुल्तानुल मुहद्दिसीन और सैयदुल फुकहा, ये उनका मकाम है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दीन के इलम की वजह से उनको ये मकाम और मर्तबा अता फरमाया कि आज मुसलमानों के अंदर जो दीनदार तबका है इनमें से कोई शायद ऐसा होगा जिसने इमाम बुखारी का नाम ना सुना हो और वो मोहब्बत के साथ उनका नाम लेता ना हो और उनके लिए रहमत की और रफ़े दरजात की दुआ ना करता। ये दीन का ताल्लुक, ये दीन की खिदमत का ताल्लुक, ये इतना बड़ा एजाज़ है जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नसीब फरमा दे, अल्लाह ताला उसके दर्जे बुलंद कर देता है। नरफ़ा दरजात मन नशा व फ़ौक कुल्ली दी इल्मिन आली। तो ये दीन, ये दीन इस्लाम जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे लिए मुकरर फरमाया कि इस दीन के मुताबिक तुमने ज़िंदगी गुजारनी है, और इसको हमारे लिए पसंद फरमाया कि ये तुम्हारा दस्तूर हयात है, ये तुम्हारी राह अमल है, इसके मुताबिक तुमने ज़िंदगी गुजारनी है। रज़ीतु लकुम इस्लाम दीना। ये दीन दो चीज़ों के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे सामने हमारे लिए उतारा है और ये हम तक पहुँचा है, एक कुरान मजीद की सूरत में और दूसरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुतहरा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा की सूरत में ये दीन हम तक पहुँचा है। और ये दीन जो इस उम्मत तक पहुँचा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दीन के लिए जो दो सरचश्मे हैं, कुरान और हदीस, किताब और हिकमत, कुरान और सुन्नत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको महफूज फरमा दिया है, अल्लाह ने इनको महफूज फरमा दिया है। ये सरचश्मे आज तक फैज़ इनका जारी है और ये लोगों तक सही दीन मुंतकिल कर रहे हैं। हदीस भी उसी तरह मौजूद है जिस तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल किया था, जिस तरह फरमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अक़दस से सादिर हुआ था और जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी गुजारी थी, ये सारी चीज़ें आज मुसलमानों के पास पूरी तरह महफूज हैं। और कुरान मजीद भी उसी तरह महफूज है जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमान से उतारा था। मोहतरम कारी साहब ने जिस तरह तिलावत की, ये आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम सुना है, आवाज़ मोहतरम कारी नौमान जाफ़र साहब की आवाज़ है लेकिन कलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का है, और ये उसी तरह लिखा हुआ मौजूद है जिस तरह ये लौहे महफूज में लिखा हुआ है। बल हुवा कुरआनुम मजीद फ़ी लौहिम महफूज, ये लौहे महफूज में लिखा हुआ है, और जिस तरह लौहे महफूज में लिखा हुआ है इसी तरह ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब अतर पर लिखा हुआ था, और इसी तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अक़दस से सहाबा तक पहुँचा था और सहाबा ने अपने सीनों में उतार के इसको आगे मुंतकिल किया था, और आज तक ये हमारे पास उसी तरह मौजूद है जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसे नाज़िल फरमाया था। ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा इनाम है इस उम्मत के ऊपर, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहादीस हैं ये भी इस उम्मत ने इसी तरह महफूज की। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज से कितने साल पहले थे? आज 1443 है, 1443 है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
इतने साल पहले थे इस दुनिया के अंदर, लेकिन सहाबाए किराम ने जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, जैसे आपको देखा, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई काम किया उसको उन्होंने महफूज करके उम्मत तक पहुंचा दिया। और अल्लाह रब्बुल इज्जत इस उम्मत के उलमा को जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिस हैं उनको जजाए खैर अता फरमाए कि इन्होंने उसे ज़ाया नहीं होने दिया, उसे मिटने नहीं दिया, उसे फरामोश नहीं होने दिया, उन चीज़ों को महफूज करके अमल के अंदर और इलम के अंदर उम्मत की तरफ मुंतकिल कर दिया। और आज जैसे मौलाना अब्दुल मन्नान साहब आपको बता रहे थे कि ये जो उलमा की एक जमात, ये जमात, ये फियत मोमिना, ये ईमानदारों की एक जमात जो तैयार होकर मैदान अमल में आ रही है, ये इस दीन के मुहाफिज हैं, ये इस दीन के मुहाफिज हैं, इस दीन की हिफाजत करने वाले हैं। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस दीन की हिफाजत अपने इन्हीं बंदों के साथ की है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफिज़ून, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया हमने कुरान उतारा है और हम उसकी हिफाजत करने वाले हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस हिफाजत के लिए इन बंदों को मुंतखब फरमाया जिन्होंने कुरान हिफज किए और फिर सारी जिंदगियां कुरान की खिदमत में लगा दी, और जिन्होंने अहादीस को हिफज किया और सारी जिंदगी इस हदीस की खिदमत के अंदर लगा दी। और ऐसे ऐसे हाफिज कुरान मजीद के अल्लाह अकबर एक जबर जेर का फर्क नहीं आने देते, और ऐसे ऐसे अहादीस के हाफिज के दुनिया हैरान होती है कि किस तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनका सीना खोल दिया, जो एक दफा सुन लिया फिर दोबारा वो कभी भूले नहीं। ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के उलमा का इम्तियाज है, ये उम्मत के उलमा का इम्तियाज है। ये हजरात सहाबा में से भी थे जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीसें सुनी। आज भी जो हदीस हमारे ज़ेरे दर्स है हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है, और वो कहते हैं कि एक दिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया कि अबू हुरैरा आओ और चादर बिछाओ। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक मैंने चादर बिछाई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ उसमें पढ़ के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई और फरमाया ये चादर उठा के सीने से लगा लो। कहते हैं मैंने वो चादर उठा के सीने से लगाई तो फिर जो मैंने सुना फिर वो मुझे भूला नहीं, फोटो मेमोरी, यानी ऐसा हाफिजा कि ये जो आप रिकॉर्ड करते हैं ये तो डिलीट हो जाता है, ये तो खत्म हो जाता है, खत्म होके इसका फीता खराब हो जाता है, लेकिन हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला उन्होंने जो याद किया फिर भूले नहीं। और इसी तरह दीगर से आप आते हैं, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला उन्होंने की बात आ गई तो मैं आपको सुनाऊँ। मदीना के गवर्नर थे मरवान, उन्होंने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को एक दफ़ा बुलाया और उनसे कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ अहादीस सुनाएं, कुछ अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनाएं। उन्होंने सुनाई और उन्होंने पर्दे के पीछे अपने सेक्रेटरी कातिब को बिठा लिया कि जो सुना रहे हैं ये लिखते जाओ, ये लिखते जाओ। वो लिखते गए तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला ने जितनी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तौफीक दी हदीसें सुनाई, और उसके बाद मजलिस बर्खास्त हो गई। तो साल सवा साल के बाद फिर उसने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया और कहने लगा हज़रत आप तशरीफ़ लाए थे एक दफ़ा, मैंने अर्ज़ किया था और आपने कुछ हदीसें सुनाई थी, अगर नवाजिश फरमाएं तो वो हदीसें हमें दोबारा सुना दें, ज़रा अंदाज़ा कीजिए। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो हदीसें सुनाई थी उसी तरतीब के साथ दोबारा सुना दी। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन उलमा को इम्तियाज दिया था, मुहद्दिसीन को, हुफाज हदीस में जो रईसुल हुफाज हैं हदीस रसूल के, वो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। दीगर सहाबा भी इसी तरह के थे और इस तरह के लिखने, इस तरह के याद करने वाले थे। कई मुहद्दिसीन ऐसे हैं जो कहते हैं कि मैं लिखने की जहमत गवारा नहीं करता, जो सुनता हूं लिखने की जरूरत ही नहीं है, जो मैं सुनता हूं फौरन मेरे ज़हन में महफूज हो जाता है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का जिनकी ये किताब अजीज़ों ने ख़त्म की है और आप उसका आखिरी सबक जो है वो सुनने के लिए मौजूद हैं, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी का वाकया है कि वो अपने असातिज़ा के पास, उनके साथी कहते हैं कि हमारे साथ इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह पढ़ने के लिए आए और वो सुनते उस्ताद से, लिखते कुछ नहीं थे। एक दिन, दो दिन, पाँच दिन, दस दिन, पंद्रह बीस दिन के बाद हमने कहा
जवान तुम यहां आए हो पढ़ने के लिए, आके बैठ जाते हो और ऐसे उठ के चले जाते हो, क्यों वक्त जाया करते हो? उन्होंने कहा कैसे, वक्त कैसे जाया करता हूं, मैं जो कुछ सुनता हूं मुझे याद है। उन्होंने कहा लिखते तो तुम है कुछ नहीं। कहने लगे जो तुमने लिखा है सुनाओ, जो तुमने लिखा है सुनाओ। जो उन्होंने लिखा था उन्होंने सुनाया और पेश किया। कहने लगे तुझसे ये लफ्ज रह गया, तुझसे ये लफ्ज रह गया, और मुझे सारा याद है जो उस्ताद ने सुनाया। ये खुसूसियत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन लोगों को अता फरमाई, और इन लोगों की वजह से ये दीन महफूज है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की अता, अल्लाह का फजल, अल्लाह रब्बुल इज्जत की इनायत और उसकी ताईद, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन लोगों से इस दीन को महफूज किया, और इस दीन को आज उम्मत मुस्लिमा तक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसी सिलसिले के और इसी तरीके के साथ पहुंचाया है। और जिस तरह हमारा नसब होता है कि हम आदम की औलाद हैं, और एक खानदान होता है ननियाल के और ददियाल के असरात जो हैं वो अगली नस्लों में मुंतकिल होते हैं, ननिहाल के असरात और ददियाल के असरात अगली नस्लों में मुंतकिल होते हैं, इसी तरह ये इलम भी एक ऐसी चीज है, ये विरसा है, ये असासा है और ये सरमाया है। ये भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबियों को अता फरमाया, और नबियों का ये विरसा उम्मत के उलमा ने लिया, और उलमा से आगे उनके शागिर्दों ने लिया, सहाबा ने लिया, सहाबा से ताबईन ने लिया, और ताबईन से अतबाउत ताबईन ने, और तबाउल अतबा ने, और मुहद्दिसीन ने, और फुकहा ने, और इसी तरह उम्मत के उलमा के अंदर ये सिलसिला चलता रहा। और ये बेटे ने जो सनद पढ़ी, इसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अपनी पूरी सनद आपको सुनाई है कि मुझे फुलां ने पढ़ाया, जिन उस्तादों का नाम लिया वो मेरे भी उस्ताद हैं, हाफिज़ बिन्यामीन साहब रहमतुल्लाह अलैह, हाफिज़ बिन्यामीन साहब रहमतुल्लाह अलैह मेरे भी उस्ताद थे। मैंने उनसे हदीस तो नहीं पढ़ी, मैंने उनसे और किताबें पढ़ी हैं, लेकिन हाफिज़ गोंदलवी रहमतुल्लाह अलैह उनके भी उस्ताद थे, और मेरे वो दादा उस्ताद हैं, वो मेरे दादा उस्ताद हैं। मेरे उस्ताद थे मौलाना सनाउल्लाह होशियारपुरी और हाफिज़ अब्दुल्ला बुडी मालवी रहमतुल्लाह अलैह, उनसे मैंने सही मुस्लिम पढ़ी और सही बुखारी पढ़ी, और उन्होंने हाफिज़ गोंदलवी रहमतुल्लाह अलैह से पढ़ी, और उन्होंने इमाम अब्दुल जब्बार गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह से और हाफिज़ अब्दुल मन्नान वज़ीराबादी रहमतुल्लाह अलैह से पढ़ी, और उन्होंने शेखुल कुल मियाँ नज़ीर हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह से पढ़ी। और मेरी सनद जो है वो एक वास्ते के साथ मैंने हज़रत मौलाना अब्दुल गफ्फार हसन रहमतुल्लाह अलैह से सनद ली, उन्होंने मुझे इजाज़त दी, और उन्होंने हाफिज़ अहमदुल्लाह दिलवी रहमतुल्लाह अलैह से पढ़ा, और हाफिज़ अहमदुल्लाह दिलवी रहमतुल्लाह अलैह ने शेखुल कुल सैयद नज़ीर हुसैन दिलवी रहमतुल्लाह अलैह से पढ़ा। तो मैं दो वास्तों के साथ मौलाना अब्दुल गफ्फार हसन और हज़रत हाफिज़ अहमदुल्लाह दिलवी, इन दो वास्तों के साथ शेखुल कुल हज़रत सैयद नज़ीर हुसैन रहमतुल्लाह अलैह तक मेरी सनद पहुँचती है। तो ये सनद जो है ये उनके साथ जोड़ देती है, और ये जो इत्तिसाल है ये ऐसे ही है जैसे ग्रिड स्टेशन के साथ इस बतनी का वास्ता जुड़ा हुआ है। जहाँ बिजली पैदा हो रही है और वहाँ से पैदा होकर जहाँ तकसीम होती है ग्रिड स्टेशन में आती है, और वहाँ से मुंतकिल होकर यहाँ ये रोशनी दे रही है, और अगर दरमियान में वास्ता कट जाए तो फिर यहाँ रोशनी नहीं रहेगी। और ये रोशनी जो हमें मिल रही है ये तो ये रोशनी है जो हमारे जाहिर को रोशन करती है, और ये रोशनी जो इलम की रोशनी है इसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नूर कहा है। वअंजलना इलैकुम नूरम मुबीना, फजाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, और इसी नूर की वजह से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूरे हिदायत थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूरे हिदायत थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपके बारे में कुरान मजीद में यह फरमाया इन्ना अरसलना का शाहिदम व मुबशिरम व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा, आप रोशन सूरज हैं, हिदायत का रोशन सूरज है। ये रोशनी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहुंचती हुई आज आप तक पहुंच रही है, और ये इस जुल्मत कदे के अंदर, दुनिया की इस अंधेर नगरी के अंदर ये लोग हैं जो ये दीन की रोशनी फैला रहे हैं। दीन की रोशनी, सच्ची बात है, अगर रोशनी होती है तो इसी दीन के साथ रोशनी होती है। अल्लाह की मारिफत, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की बंदगी ये है जो इस मुआशरे को मुनव्वर करती है, वगरना ये दुनिया और ये मुआशरा अंधेर नगरी है। अल्लाह नूर समावाती वल अर्ज, आसमान और जमीन का नूर कौन है, इसे मुनव्वर करने वाला कौन है? अल्लाह। और अल्लाह ताला ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूरे हिदायत और सिराजे मुनीर बनाया, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, फरमाया कि ये जो इस रोशनी से मुस्तफीद होकर इबादत करने वाले हैं, अल्लाह की बंदगी करने वाले हैं, ये सितारों की तरह हैं,
और इन सितारों के अंदर ये जो उलमा बैठे हुए हैं, ये फरमाया चौदहवीं के चांद की तरह, ये रोशनी का सिलसिला है, ये रोशनी का सिलसिला है। इस पर अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको ये नेमत अता फरमाई हुई है। अल्लाह ने इस बात पर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शुक्र की तालीम दी, वज़कुरु नेमत अल्लाह अलैकुम वमा अंजल अलैकुम मिनल किताबी वल हिक्मा, अल्लाह की नेमत को याद करो और इस नेमत को याद करके अल्लाह का शुक्र करो। वज़कुरु नेमत अल्लाह अलैकुम वमा अंजल अलैकुम मिनल किताबी वल हिक्मा, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हारे ऊपर किताब व हिकमत नाजिल फरमाई, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने किताब व हिकमत की तालीम दी। वअंज़लल्लाहु अलैकल किताब वल हिकमत वअल्लमका मा लम तकुन तअलम, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को तालीम दी और सहाबा ने ताबईन को, और ये सिलसिला इसी तरह चलता हुआ आज हम तक पहुँचा। तो ये अल्लाह की नेमत है, और ये उलमा भी अल्लाह ताला का एहसान है कि ये उलमा उम्मत के अंदर मौजूद हैं। इन उलमा के साथ ये दीन जिंदा और कायम है, यकीन जानिए। जहाँ उलमा उठ गए वहाँ इलम उठ गया, वहाँ इलम उठ गया, और जहाँ इलम उठ गया वहाँ अमल उठ गया। अमल भी नहीं रहता, इलम के बगैर अमल भी नहीं होता। ये इलम और अमल जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों चीज़ें लेकर आए हैं। वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अल दीन कुल्ली, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हुदा ये इलम है, व दीनिल हक ये अमल है। अल हुदा हिदायत, व दीनिल हक और सच्ची फरमा बरदारी। सच्ची फरमा बरदारी क्या है? जो हुक्म आया मान लिया, जो सुना उसको अपना लिया। अल्लाह का हुक्म, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म, इसलिए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन के मामले में अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते, जो कहते हैं अल्लाह की तरफ से कहते हैं, जो करते हैं वही की रोशनी में करते हैं। इन अत्तबिउ इल्ला मा युहा इलैया, मैं सिर्फ वही की पैरवी करता हूँ। और दीन के बारे में जो कहते हैं मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयू युहा, अपनी चाहत और अपनी मर्जी से नहीं कहते, अल्लाह की वही से कहते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की वही से दीन की बात करते हैं। और ये जो दीन है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उतारा, ये आज मौजूद है हमारे अंदर। ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है, और ये उलमा के साथ मौजूद है, ये इलम भी और ये अमल भी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने कुरान की हिफाजत का जिम्मा लिया और कुरान के बयान वअंजलना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़िला इलैहिम, जो कुरान आपकी तरफ नाजल किया गया है लोगों के लिए आप इसको बयान कर दें, अमलन भी और कौलन भी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पढ़ाया, सिखाया, समझाया, अमल करके दिखाया लोगों के लिए। तो ये कुरान भी महफूज है, कुरान का बयान भी महफूज है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, मा अंज़लना अलैकल किताब इल्ला लितुबय्यिना लहुम अल्लज़ी इख्तलफू फी व हुदा व रहमतल लिक़ौमिन युमिनून, हमने ये किताब आप पर उतारी है इसीलिए कि आप इसको खोल कर बयान कर दें। कुरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबयीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमली ज़िंदगी को बगैर कुरान समझा नहीं जा सकता, समझा नहीं जा सकता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान सामने रखना ज़रूरी है, और आपकी ज़िंदगी कुरान का पूरा अमल था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी सहाबा कहते थे, बल्कि अल्लाहु अकबर कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, वअंज़लल्लाहु इलैकुम ज़िक्रन रसूला, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपकी तरफ जिक्र उतारा है यानी रसूल उतारा है, यानी कुरान और हदीस, कुरान और रसूल में फ़र्क कोई नहीं, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी सारी कुरान थी। तो ये कुरान का इलम भी महफूज है और दीन पर अमल भी महफूज है, और वो अमल भी इस उम्मत के उलमा के ज़रिए महफूज है। ये हैं इस दीन के ऊपर अमल करने वाले, इसलिए इन उलमा से जुड़े रहना चाहिए और इन उलमा की कदर करनी चाहिए। और इन उलमाए दीन के अंदर जो मुहद्दिसीन हैं, जो अइम्मा फुकहा हैं, जो फुकहाए मुहद्दिसीन हैं, और जो अइम्मतुल खैर हैं, खैर के इमाम हैं, ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता दिखाने वाले और उम्मत के अवाम को उनके साथ जोड़ने वाले हैं और उनकी तरफ लोगों की रहनुमाई करने वाले हैं। इसलिए ये उम्मत के लिए बहुत बड़ा काबिल कदर असासा हैं, इनकी कदर करो। आज इनके खिलाफ बड़ी साजिशें हो रही हैं कि इन मदरसों को कमज़ोर कर दिया जाए, इन्हें बदल कर स्कूल कॉलेज बना दिया जाए। हमारे स्कूल कॉलेज और हमारी यूनिवर्सिटियाँ, अल्लाह अकबर, ये जहाँ बड़ी बड़ी फीसें हम देते हैं और बड़े बड़े खर्चे करके अपने बच्चों को वहाँ पढ़ाते हैं, ये बच्चे वहाँ पढ़ के क्या करते हैं? बड़ी बात है कि किसी को अमेरिका में या कनाडा में जॉब मिल जाए और वहाँ की शहरियत मिल जाए और वहाँ जाके वो नौकरी करे और डॉलर कमाए, और उसके बाद कुछ भी नहीं,
पैसे कमाने के लिए नौकर पैदा करना, ये इन यूनिवर्सिटियों का और इन स्कूलों और कॉलेजों का काम है जहां हम बड़ी बड़ी फीसें देते हैं। और ये मदरसे और यहाँ पढ़ने वाले, ये आपको वो इलम पढ़ाते हैं जिस इलम के साथ इंसान के अंदर सही इंसानियत आती है। ये इलम अगर इंसान के अंदर ना हो तो यकीन जानिए ये इंसान उलाइक कल अनाम बल हुम अबल, वो जानवरों से भी नीचे है, जानवरों के जैसा है बल्कि जानवरों से भी नीचे है। ये इलम इंसान को इंसान बनाता है, ये इलम इंसान को बुलंदियों तक लेके जाता है, और इस इलम के बगैर इंसान रददना असफल साफिलीन का शिकार हो जाता है। तो इस इलम की कदर करनी चाहिए। तो बात मैं कर रहा था कि ये दीन का इलम, जिसके बहुत बड़े इमाम इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह हैं, और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह अकबर बड़े खुश नसीब हैं कि माँ भी बड़ी नेकोकार थी और वालिद भी बड़े परहेजगार थे। और उनकी परहेजगारी का अंदाज़ा करें आप, जब आखिरी वक्त आया उनका तो अपने साथी शागिर्द भी था और खादिम भी था, उसको बुला के कहने लगे कि ये जो माल मैं छोड़ के जा रहा हूँ इसमें हराम तो गुजा रहा, शुबे वाला भी एक दिरहम नहीं है। कितनी बड़ी बात है। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह उनके फर्जंदे अर्जुमंद थे, अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इस्माईल, उनका नाम इस्माईल था, वो इमाम मालिक से उन्होंने हदीस पढ़ी, अब्दुल्ला बिन मुबारक से उन्होंने मुसाफा किया, हम्माद बिन जैद से उन्होंने इलम पढ़ा, और उनकी और फिर वो फौत हो गए। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह यतीमी में पले बड़े, लेकिन ये माँ की परवरिश थी और उसकी आगोश थी और उसकी इनायत थी कि उन्होंने इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की परवरिश की, और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की माँ की दुआओं से इस मकाम तक पहुँचे कि कुरान हिफ्ज किया, और कुरान हिफ्ज करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हिफ्ज हदीस का शौक़ उनको अता फरमा दिया, और फिर वो ऐसे हाफिजुल हदीस बने। वो कहते हैं कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह 1,00,000 सही हदीसें मुझे याद हैं और 2,00,000 गैर सही भी मुझे याद हैं। 1,00,000 सही हदीसें मुझे याद हैं और 2,00,000 सही हदीसें जो गैर सही है वो भी मुझे याद हैं। ये ऐसे लोग थे कि सही को भी याद करते थे और गलत को भी याद करते थे। जैसे मौलाना बता रहे थे आपको कि ये जानने के लिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ किस चीज़ को गलत मनसूब कर दिया गया है, आपके जनाब अली की तरफ इस चीज़ को ऐसे ही फैला दिया गया है कि ये नबी सल्लम ने कहा है, ये जानने के लिए भी उलमा ने इन चीज़ों को महफूज कर दिया, इनकी भी निशानदेही कर दी और नबी सल्लम की हदीस की भी निशानदेही कर दी। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जो 6,00,000 अहादीस जमा की थी उसमें उसके अंदर आप ज़रा इससे मुतवाहिश ना हो कि 6,00,000 कहाँ से आ गई। हदीसों की तादाद तो अगर तलाश की जाए तो जो अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल है बड़े से बड़ी तादाद उनकी 50,000 तक पहुंचती है। कंजुल उम्माल और इसी तरह दीगर जो किताबें हैं अलजामेउल कबीर इमाम सियूती रहमतुल्लाह अलैह की, इनको देखा जाए तो इससे ज़्यादा तादाद नहीं है। तो ये 6,00,000 अहादीस कहाँ से आ गई। असल में ये इस्तिलाह है मुहद्दिसीन की कि एक सनद एक रिवायत एक सिलसिले के साथ जो मनकूल होती है उसको एक हदीस करार देते हैं, जब वही हदीस दूसरे सिलसिले के साथ आती है तो वो 2 बन जाती है, वही हदीस तीसरे सिलसिले के साथ आती है तो वो 3 बन जाती है, और एक एक हदीस को उन्होंने 10-10, 20-20 सिलसिलों से सुना है तो वो 10 और 20 हदीसें बन जाती हैं। तो सिलसिलों के तादुद की वजह से हदीसों की तादाद बढ़ जाती है। तो वो कहते हैं कि मैंने 6,00,000 अहादीस से इस किताब का इंतखाब किया है, और ये कोई ऐसे नहीं जैसे आजकल हमारे PhD के और MPhil के रिसाले तैयार होते हैं, किसी को कहा कि तू कर दे और कुछ ही दूर से इकट्ठा किया और डिग्री ले ली, अल्लाह अकबर, ऐसे नहीं है। ये जिंदगी है जिस जिंदगी को उन्होंने इस दीन के लिए वक्फ कर दिया, इसके लिए वक्फ कर दिया। 16 साल सरफ किए इस किताब के लिखने के ऊपर, 16 साल सरफ किए, 16 साल सरफ किए। 6,00,000 हदीसों का जखीरा उनके पास था, उसमें से इसे इंतखाब किया। और वो कहते हैं कि मेरा तरीका यह है कि मैंने हर किताब को 3 दफा लिखा। हमारे तो लिखने का ये तरीका होता है ना कि पहले मवाद जमा किया, इल्मी लवाजमा जमा किया, और उसके बाद उसको तरतीब दिया, और तरतीब देने के बाद उसको पेश कर दिया। लेकिन इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में जो मुहक्किकीन है उन्होंने लिखा कि वो उसको पेश करते थे अपने असातिज़ा के सामने, और असातिज़ा अगर उस पर किसी चीज़ पर नकद करते और उसकी इसलाह के लिए तवज्जो दिलाते तो उसकी इसलाह करके फिर पेश करते, फिर पेश करते 3-3 बार। और जो लिखा इस किताब को, ये जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है जिसको ये शर्फ हासिल है उम्मत के इत्तिफाक के साथ, जब से ये लिखी गई है उस वक़्त से लेकर आज तक उम्मत के उलमा ये बात कहते हैं कि असहुल कुतुब इबादा किताबिल्लाह,
قرآن کے بعد اگر کوئی صحیح ترین کتاب ہے تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی الجامع صحیح ہے. اور جب تک کوئی عالم اسے پڑھے نا اسے مستند عالم نہیں سمجھا جاتا. لوگ اس کی حدیث پر عمل کریں یا نہ کریں لیکن اسے پڑھتے ضرور ہیں, اسے پڑھتے ضرور ہیں, کیونکہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اسے میزان بنا دیا ہے, اسے علم کا میزان بنا دیا ہے, صحیح اور غلط کی پہچان کا معیار بنا دیا ہے, ایک سٹینڈرڈ بنا دیا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے. اسے پڑھنا پڑتا ہے اس کے بغیر, اور اس کے بغیر انسان صحیح عالم نہیں سمجھا جاتا. تو خیر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب 16 سال میں لکھی, اور پھر اللہ رب العزت نے اس کو ایسا قبول بخشا, ایسا قبول بخشا کہ جب اس کتاب کا درس دیتے تھے, آپ تو ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد کے اندر سارا اندر باہر بھرا ہوا ہے, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں ہزاروں لوگ ہوتے تھے, اور کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے باقاعدہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے یہ کتاب سن کے اس کا درس لیا اور اس کی سند لیا ان کی تعداد 90,000 ہے, 90,000 ان کی تعداد. اللہ رب العزت نے اس کتاب کو یہ قبول عطا فرمایا, اور علماء نے جو لکھا ہے اس کے اوپر, جو اس کی خدمتیں کی ہیں, اور اس کے رجال کے اوپر, اس کی احادیث کے اوپر, اس کے مطابعات اور شواہد کے اوپر, اور اس کے جو مسائل ہیں ان کے اوپر, اس کے ابواب کی شرح کے اندر, یہ ایک پوری لائبریری ہے, اہل علم جانتے ہیں. اللہ رب العزت نے اس کتاب کو قبولیت عطا فرمائی, اور یہ دین کی وجہ سے ہے کہ اللہ رب العزت دین والوں کو عظمت عطا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو رفعت عطا کرتے ہیں, اور دلوں کے اندر اللہ رب العزت ان کی محبت ڈال دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے خادم ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محبت کرنے والا بنائے, جیسا کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, یا تو عالم ہونا چاہیے انسان کو, کن عالماً, عالم بنو ماشاءاللہ جیسے یہ بنے ہیں, او متعلمہ, یا سیکھنے والے طالب علم بنو, او مستمعہ, یا سننے والے جیسے آپ سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں سننے والے بنو, اور یا ان سے محبت کرنے والے بنو, ان چاروں سے نکل کے بدبختوں میں شامل نہ ہونا جو اس حلقے میں نہیں آتا, عالم نہیں, متعلم نہیں, سننے والا نہیں, محبت کرنے والا نہیں, اس کا رحمت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے. کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, اللہ اکبر, کہ یہ دنیا جو ہے یہ اللہ کی رحمت سے محروم ہے سوائے اللہ کے ذکر کے اور اس کے ساتھ تعلق رکھنے والی چیزیں, یا پھر دین کا علم رکھنے والا اور دین کا علم سیکھنے والا, یہی ہیں جن پر اللہ کی رحمت اترتی ہے, اور ان کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو بھی اس رحمت سے حصہ ملتا ہے. اور اگر یہ اللہ کا ذکر کرنے والے اور اللہ کا پیغام پہنچانے والے اور دین کا علم رکھنے والے اور دین کا علم سکھانے والے نہ ہوں تو یقین جانیے اس زمین کی بساط لپیٹ دی جائے, یہ سلسلہ ختم کر دیا جائے. تو خیر بات لمبی ہو رہی ہے, میں عرض کرتا ہوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس کتاب کو لکھا تو اس کے اندر انہوں نے سب سے پہلے جو وحی کا باب قائم کیا, تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں, ان کی منقبت کے بارے میں علماء کے اقوال, ان کے معاصرین کے اقوال, اور ان کے بعد جو علماء کے اقوال ہیں, یہ سلسلہ شروع کر دیا جائے تو اسی کے لیے گھنٹے چاہیے, اسی کے لیے گھنٹے چاہیے. اس لیے میں صرف یہ چھوڑتا ہوں, بس یہ بتا دیا کہ وہ امیر المومنین فی الحدیث اور سلطان المحدثین, سید الفقہا, اور ان کے اساتذہ کی گواہی کے ساتھ افقہ خلق اللہ فی زماننا, ہمارے زمانے میں سب سے زیادہ دین کی سمجھ رکھنے والے, سب سے زیادہ دین کی سمجھ رکھنے والے, اور سید الفقہا, تمام دین کی سمجھ رکھنے والے کو سردار, اور ان کے پیشوا اور ان کے رہنما ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ کتاب لکھی, اس کے اندر پھر انہوں نے صحیح بات ہے فقاہت, علمیت اور دین کے حقائق, لطائف, معارف, بصائر, ان کے جو نکات اور جو ان کے رموز اور اسرار جمع کر دیے ہیں, آج تک اہل علم اس پہ سر دھنتے ہیں, اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو دعائیں دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو کیا حافظہ دیا تھا, اور کیا بصیرت اور کیا فقاہت اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمائی تھی. اس کی ابتدا کی ہے انہوں نے بدل وحی سے, اس لیے کہ اس دین کی بنیاد کس چیز کے اوپر ہے, میری سوچ, آپ کی سوچ, لوگوں کا رواج, لوگوں کا طرز عمل, یہ دین نہیں ہے. دین اللہ نے اتارا ہے, اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم, جو اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے اس کی پیروی کرو. دین وہ ہے جو اللہ نے اتارا ہے, وہ حق ہے, اور جو اللہ نے نہیں اتارا وہ باطل ہے. اس لیے لوگوں کے رواج, لوگوں کی رسمیں, لوگوں کی سوچ, لوگوں کے قانون, لوگوں کے ضابطے,
ये जो लोगों ने बनाया हुआ, ये दीन नहीं बन सकते, ये दीन नहीं बन सकते, और इनके साथ अदल भी नहीं हो सकता और इनके साथ अमन भी नहीं हो सकता। अगर अदल कायम हो सकता है तो वो नबियों की लाई हुई तालीम के साथ हो सकता है। यकूम अन्नास बिलकिस्त लकद अरसलना रुसुलना बिलबय्यिनाति वअन्ज़लना मअहुम अलकिताब वलमीज़ान लियकूम अन्नास बिलकिस्त, नबियों के लाए हुए निज़ाम के साथ अदल कायम हो सकता है, इसी के साथ रोशनी फैल सकती है और इसी के साथ लोगों को अमन व सलामती मिल सकती है। अल्लज़ीना आमनू वलम यलबिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अमन वहुम मुहतदून। तो अमन, सलामती, अदल इस दीन के इल्म के साथ कायम हो सकता है। तो उन्होंने वही से इसको शुरू किया, बदुल वही से, कि दीन की बुनियाद वही के ऊपर है। और इसके लिए इन्नमला बालू बिनियाद वाली हदीस लेके आए कि इस दीन के लिए इंसान को मुखलिस होना चाहिए, यानी उसके अंदर इखलास होना चाहिए, अल्लाह की रिजा के लिए ये काम करे, दीन पढ़े, दीन पे अमल करे, इसलिए अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह को राजी करने के लिए। और फिर ये जो दीन का इलम है इस पर ईमान और यकीन रखना जरूरी है। बदुल वही के बाद किताबुल ईमान लेके आए, इसलिए ईमान का माना है तस्दीक करना, इसको हक और सही समझना और इसे कबूल करना, और कबूल करके अल ईकान वल इज़ान, इस पे यकीन रखना और इस पर अमल करना। ये ईमान की किताब लेके आए, ईमान के मसाइल जिक्र किए, और फिर जब इसको मान लिया है कि अल्लाह की तरफ से आया है तो बरहक है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए हैं तो ये सच है, तो फिर इसको सीखना है, जानना है, और जान के फिर इस पर अमल करना है। और फिर ये इसकी तफसीलात बयान फरमाई हैं उन्होंने इस किताब के अंदर। और ये सिलसिला किताबुल बदुल वही और उसके बाद किताबुल ईमान, किताबुल इल्म, और ये सिलसिला चलते 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 97 किताबें हैं, और बाज़ नुस्खों के अंदर 98 और बाज़ के अंदर 100 किताबें हैं इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की इस किताब के अंदर। ये एक किताब नहीं है, ये 100 किताबों का मजमुआ है। और इन किताबों के अंदर जो अबवाब हैं ये 3880 के करीब अबवाब हैं, यानी एक एक बाब के अंदर कई की हदीसें हैं और उनके अंदर कई की मसाइल हैं। ये इल्म का एक दफ्तर है। और फिर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इसी तरह नमाज के मसाइल, ज़कात के मसाइल, रोज़े के मसाइल, हज के मसाइल, उम्रे के मसाइल, जिहाद के मसाइल, सौदे के मसाइल, और बुयू के अंदर अहले इल्म यहाँ मौजूद हैं। यकीन जानिए, जो लोगों के लेन देन के अंदर जितनी सूरतें हैं फिका की किताबों में उतनी तफसील नहीं है जितनी इमाम बुखारी की जामे सही के अंदर तफसील मौजूद है। तमाल है, किताबुल कफाला, किताबुल हवाला, किताबुल लुकता, किताबुल मजालिब, और इसी तरह किताबुल इजारा, सारे अबवाब जो हैं इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस किताब के अंदर जिक्र किए। और फिर इसी तरह जो अदालत के मामलात हैं, रियासत के मामलात हैं, किताबुल अहकाम, उसके अंदर ये बयान फरमाए। और फिर इसी पे बस नहीं किया, तफसीर, तारीख, बदुल खल्क, जब से इस कायनात की तख्लीक का आगाज हुआ है उस वक़्त से लेकर रबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने तक अम्बिया की तारीख, किताबुल अम्बिया, और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मगाजी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल व मनाक़िब, आपके सहाबा का तज़किरा, उनके फ़ज़ाइल का तज़किरा, कुरान की तफसीर, और फिर आने वाले वक्त के अंदर जो फितने और जो उम्मत के अंदर मसाइल पैदा होने वाले हैं उनके मुतल्लिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई, ये सारा कुछ इस किताब में जमा कर दिया। इल्म का समंदर है ये किताब। और आखिर में किताब व अखबार अहाद लेकर आए कि ये चीज़ें जो अखबार अहाद सुन के नकल करने वाले लोग हैं इनकी खबर के ऊपर एतमाद करके इसको कबूल किया जाएगा। ये जो लोगों ने बात बनाई है कि मुतवातिर होनी चाहिए, ये मशहूर होनी चाहिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक आदमी को भेजा एक एक इलाके की तरफ। हजरत मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को यमन की तरफ भेजा, अबू मूसा अशरी को भेजा, दो बंदे थे उनको भेजा, जाओ उस इलाके में जाके अल्लाह का दीन पहुँचाओ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 150 नहीं भेजे, किसी इलाके में एक ही भेजा। जब मदीना मुनव्वरा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजे थे तो हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भेजा, जाके मदीना मुनव्वरा में लोगों को दीन की तालीम दो, और मुसअब इब्ने उमैर को भेजा, दो बंदे भेजे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अखबार अहाद दीन के अंदर हुज्जत हैं, अकीदे में भी हुज्जत हैं, अमल में भी हुज्जत हैं। ये जो लोगों ने उसूल बनाए हुए हैं ना कि खबर वाहिद हुज्जत नहीं है, ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। अखबार अहाद का बयान करके उसूली मसाइल भी बयान फरमाए। और फिर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने आखिर में जिक्र फरमाया, किताब उल इंतिसाम बिल किताब व सुन्नत, किताब व सुन्नत को मजबूती से थाम के रखना है। ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो इस उम्मत की हिफाजत करने वाली हैं कि ये उम्मत गुमराह नहीं होगी। तरक तुफीकुम अमरईन लन तज़िल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा, किताब अल्लाह व सुन्नत रसूली ही,
अल्लाह की किताब और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, मुत्ता की भी रिवायत है, मुसनद हाकिम की भी रिवायत है। ये दो चीज़ें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़ के गए हैं। और इसके साथ इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस किताब के अंदर इस बात का एहतमाम किया है कि सिर्फ हदीसें नकल नहीं की, सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन के साथ कुरान की आयतें भी नकल की हैं। बताया है कि ये आयत से बात निकलती है जो अल्लाह के रसूल ने फरमाई है, और इसके साथ सहाबा के फतवे, ताबईन के फतवे नकल किए हैं। इसलिए कि इस उम्मत को दीन समझने के लिए सहाबा का फहम, उनका दीन समझना और उस पर अमल करना, इसको भी सामने रखना है। और सहाबा ने जो किया, ताबईन ने देखा, उसको भी सामने रखना है। ये कुरूनुल खैर का फहम और कुरूनुल खैर का तआमुल जो है, इसको भी नज़रअंदाज नहीं करना। ये अहले इल्म के लिए ज़रूरी है कि वो इसके अंदर रहें। और अगर इसको नज़रअंदाज करके लोग सिर्फ हदीस के मतन को सामने रख के या कुरान की आयत को सामने रख के कोई फैसला करेंगे तो वो राय रास्त से भटक सकते हैं। इमाम बुखारी ने इसका एहतमाम किया और आखिर में किताब तौहीद लेकर आए, इसलिए कि इस दीन का मकसद ये है कि लोगों की अल्लाह की मारिफत हासिल हो जाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौहीद लोगों को समझ आ जाए और लोग अल्लाह को एक मानने लगें और अल्लाह को यकता मानने लगें, अल्लाह की अहदियत को माने, अल्लाह की वहदानियत को माने। और इस बात इसी किताब के अंदर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वो हदीस लेके आए हैं कि आप यमन की तरफ जा रहे हैं, वहाँ अहले किताब रहते हैं, यहूदी और ईसाई वहाँ रहते हैं, तो आपने उनको दावत देनी है किस चीज़ की, अन युवहिदुल्लाह, कि वो अल्लाह की तौहीद माने। अगर इंसान दीन के ऊपर अमल करता है और दीन की मसाइल और दीन के आमाल के ऊपर इंसान का इल्तिज़ाम है लेकिन उसकी ज़िंदगी में तौहीद नहीं, शिर्क के साथ आलूदा है, शिर्क के अंदर डूबा हुआ है, तो यकीन जानिए सब कुछ बर्बाद हो जाता है। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुखातब करके फरमाया, मुखातब उन्हें किया और सुनाया किसको, आपकी उम्मत को। और 18 नबियों का जिक्र किया सूरतुल अनाम के अंदर, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बताया कि अगर ये भी बफर्ज़े महाल अगर ऐसा हो कि इनसे शिर्क सरजद हो जाए तो इनका भी किया कराया बर्बाद हो जाएगा। तो आज इस उम्मत को ज़रूरत है कि वो शिर्क को पहचाने और शिर्क को छोड़े और अपनी तौहीद को खालिस करे। इसके बगैर दीन कोई कीमत नहीं रखता अगर उसके अंदर शिर्क की मिलावट हो जाए। और इसी तरह ये दीन खालिस होना चाहिए, ये सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए। अगर बिदत की आमेजश हो जाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका छूट जाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से हट जाए, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर वो दीन नहीं रहता, वो मरदूद हो जाता है। मन अमिल अमलन लैस अलैही अमरुना फहुवा रद्दुन, एहतिसाम बिल किताब व सुन्ना के अंदर यही चीज़ बताई गई है कि दीन के अंदर तौहीद ज़रूरी है और दीन के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का इत्तेबा ज़रूरी है। और आखिर में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस किताब का जो इख्तिताम फरमाया है वो बाबु कौलिल्लाहि तआला व नज़ाउल मवाज़ीन अल-क़िस्त लियौमिल क़ियामा, इस बाब पर फरमाया है। इसलिए कि इंसान जब पैदा होता है, ज़िंदगी गुजारता है, तो सबसे आखिरी मरहला क्या होगा, अल्लाह की बारगाह में पेश होकर इंसान की सारी ज़िंदगी का किया हुआ अमल तोला जाएगा। आखिरी मरहला मुकल्लफ की ज़िंदगी का वज़ने आमाल है, तो वज़ने आमाल पर इस किताब को ख़त्म फरमाया। बाबु कौलिल्लाहि तआला व नज़ाउल मवाज़ीन अल-क़िस्त लियौमिल क़ियामा व अन्ना आमाला बनी आदम व क़ौलहुम यूज़न, बंदों के अमल भी तोले जाएंगे और उनके कौल भी तोले जाएंगे। इंसान हमेशा अपनी महदूद अकल के साथ सोचता है। आज तो इंसान ने अल्लाह अकबर इतनी तरक्की कर ली, इतनी तरक्की कर ली कि वो किसी चीज़ को जब छोटा करता है तो इतना छोटा कर देता है, इतना छोटा कर देता है, ये जो धागा होता है ना, धागा जिसके साथ हम कपड़ा बुनते हैं, कपड़ा बुनते हैं, इस धागे को एक टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी के अंदर एक धागे को इतना छोटा किया जा सकता है कि उसका 100,000,00,000,00,000 नहीं, अरब हिस्सा बना देते हैं। इंसान के पास आज ये टेक्नोलॉजी और ये सलाहियत है, इतना छोटा उसको कर दिया जाता है और इंसान की आवाज़ को महफूज कर लिया जाता है, इंसान की तस्वीर को महफूज कर लिया जाता है। और इंसान किन किन चीज़ों का वज़न कर लेता है, बड़ी बड़ी वजनी चीज़ें भी तोल लेता है और बड़ी बड़ी छोटी चीज़ें भी तोल लेता है। आप एक कागज़ रखें और उस कागज़ के ऊपर बारीक पेंसिल के साथ ऐसे करके निशान लगा दें, जब उस तराजू के ऊपर उस कागज़ को पेंसिल का निशान लगने के बाद तोला जाएगा
तो पहले का वजन भी बता देगा और इस पेंसिल के निशान से जो उसके अंदर इजाफा हो गया वो वजन बता देगा। ये तो इंसान का काम है, इंसान ने इतने बारीक पैमाने तैयार कर लिए। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तोलना है मेरी आवाज को, मेरे कॉल को और मेरे वजन और मेरे अमल को। अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए क्या मुश्किल है। ये इंसान जिस माहौल में होता है, देहाती माहौल में होता है तो वो कहता है ये कैसे हो सकता है, शहरी माहौल में होता है तो वो कैसे कहता है ये कैसे हो सकता है। लेकिन जो इल्मी माहौल के अंदर, साइंसी माहौल के अंदर है, वो देखते हैं कि बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो कह दिया है, बस जब अल्लाह ने कह दिया तो ये बरहक है, जो अल्लाह की तरफ से आया। अंतल हक वबादुकल हक व कौलुका हक, अल्लाह तू हक, अल्लाह तेरे वादे हक, अल्लाह तेरा फरमान बरहक, इसमें गलती का इम्कान कोई नहीं। तो बंदे का वजन किया जाएगा, अमल का भी, अमल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तोलना है। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तराजू के अंदर जो रखी जाने वाली चीजें हैं उनमें जो बहुत वजनी चीज है वो क्या है, इंसान का अच्छा अखलाक। मा मिन शैइन यूज़ाउ फिल मीज़ान यौमल क़ियामति असक़लु मिन खुलुकिन हसन। खुलक, आपका बर्ताव, सुलूक, लोगों के साथ आपका रवैया, आपका मिलना बरतना, ये जो आपका अमल है इसको तोला जाएगा तराजू के अंदर और ये बहुत भारी साबित होगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया कि ये बड़ी भारी चीज़ है। और इसी तरह अल्लाहु अकबर, ये जो कलमा हम पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वसीयत है, उन्होंने अपने बेटे को वसीयत फरमाई थी और अपने दो बेटों को वसीयत फरमाई थी और कहा था कि दो बातों की तुम्हें वसीयत करता हूँ, एक ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना और दूसरा सुभानअल्लाह व बिहम्दिही पढ़ना। और ला इलाहा इल्लल्लाह के बारे में बताया कि ला इलाहा इल्लल्लाह इतना वजनी कलमा है, ये सातों आसमान और सातों ज़मीनें एक पलड़े में रख दी जाए, और ये ला इलाहा इल्लल्लाह एक पलड़े में रख दिया जाए तो ला इलाहा इल्लल्लाह भारी है, कलमा भारी है। तो इन अमाल का वजन है, अकवाल का वजन है, अमाल का वजन है। वह अन्ना अमाला बनी आदम व कौलहुम यूज़न। और ये जो हमारे इल्मी हलकों के अंदर, दरसी मदरसों के अंदर जो मसाइल होते हैं, जो मबाहिस होते हैं, तरकीब के, एराब के, तकदीम और ताखीर के, बलागत के, इस मजलस में वो करने टाइम भी नहीं है और ज़रा आप लोगों के लिए थोड़े से बोझल बन जाते हैं, इसलिए कि बज़म में अहल नज़र भी हैं, तमाशाही भी हैं, तो सबका लिहाज करना होता है। इसलिए मैं उनकी तरफ नहीं आया, सिर्फ मोटी मोटी बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ। वन्ना अमाला बनी आदम व कौलहुम यूज़न व काला मुजाहिद अल-क़िस्तास व अल-अदल बिर-रूमिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में फरमाया है वज़नू बिल-क़िस्तास अल-मुस्तक़ीम, तो मीज़ान इसके मुतरादिफ दूसरा लफ्ज़ कुरान मजीद में क़िस्तास इस्तेमाल हुआ है, और ये आखिर में सीन की बजाय रा के साथ भी इस्तेमाल होता है, क़िस्तार और क़ुस्तार भी पढ़ा जाता है। तो क़िस्तास जो है मीज़ान को कहते हैं। और इमाम मुजाहिद जो बहुत बड़े मुजाहिद इब्न जबर ताबई हैं और कुरान के मुफस्सिर और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के शागिर्दों में शुमार होते हैं, वो कहते हैं कि क़िस्तास से मुराद है अदल, अल-क़िस्तासु अल-अदलु बिर-रूमिया, रूमी ज़ुबान में है, रूमी लातीनी ज़ुबान, यूनानी रूमी इसकी असल जो है वो लातीनी है। और ये यूरोप की जितनी ज़ुबानें हैं, मशरक़ी यूरोप हो या मगरबी यूरोप हो, इन सारी ज़ुबानों की असल माँ जो है वो लातीनी ज़ुबान, उसके अंदर क़िस्तास का लफ्ज़ जो है ये अदल के माने में इस्तेमाल होता है। और अंग्रेज़ी के अंदर भी ये लफ्ज़ मौजूद है, क़िस्तस जस्टस, जस्टिफाई करना, अदल करना, इंसाफ करना, ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। वो कहते हैं ये अदल के माने में इस्तेमाल होता है, अल-क़िस्तास व अदलु बिर-रूमिया। और वयुकालु अल-क़िस्तु मसदरुल मुक़सित, क़िस्त जो है ये मुक़सित का लफ्ज़, मुक़सित का माखज़ है, ये उसका इसमें मसदर है, मुक़सित से, मुक़सित का माना होता है अदल करने वाला। इन्नल्लाहु युहिब्बुल मुक़सितीन, कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वक़्सितु और अदल करो, इन्नल्लाहु युहिब्बुल मुक़सितीन। और इसी काफ सीन त्वा के साथ ये लफ्ज़, यानी काफ पर ज़बर पड़े तो कस्त बन जाता है और काफ पर ज़ेर पड़े तो किस्त बन जाता है और माना बदल जाता है। इसलिए कुरान के पढ़ने में इंसान को बहुत मोहतात होना चाहिए, ज़बर ज़ेर से माना बदल जाता है। किस्त अगर काफ के कसरे के साथ, ज़ेर के साथ पढ़े तो इसका माना अदल है, और अगर ज़बर के साथ पढ़ेंगे तो इसका माना जुल्म बन जाएगा। और कुरान मजीद में ये इस्तेमाल हुआ है वह अमल कासी तू ना फ़कानू ली जहन्नम हतबा, और यहाँ जो लुगवी बैसे हैं मैं उनकी तरफ नहीं जा रहा। तो मुक़सित का माना आदिल होता है और कासित का माना ज़ालिम होता है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वह अमल कासी तू ना फ़कानू ली जहन्नम हतबा, जो जुल्म करने वाले हैं वो जुल्म अपनी जान पर करते हैं और अल्लाह की मखलूक पर जुल्म करते हैं, अल्लाह का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता,
वो जहन्नम के ईंधन बनने वाले हैं। और फिर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सनद बयान फरमाई, काला हदसन अहमद बिन इश्काब बिन भी ठीक है और इश्काबा भी ठीक है, दोनों तरह पढ़ना सही है। काला हदसन मोहम्मद बिन फुज़ैल, ये अहमद इब्न इश्काब असल कूफी हैं, अहमद इब्न इश्काब इनके वालिद का नाम जो था वो हरम था गालिबन, जेन से निकल गया, तो इनके वालिद वो अहमद इश्काब उनका लकब था, और वो पहले कूफे में रहते थे और सफ़ार वो पीतल का काम करते थे, पीतल का बर्तन वगैरह बेचते थे, सफ़ार उनका लकब है, वो बाद में मिस्र में चले गए और वहीं जाकर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे हदीस ली। और उनके उस्ताद जो हैं मोहम्मद इब्ने फुज़ैल इब्ने गज़वान, ये कूफी हैं, ये कूफे के रहने वाले थे। और उनके उस्ताद जो हैं उमारत इब्नुल काका, ये उमारत इब्नुल काका है, और दूसरी जगह पर उमारत इब्नुल काका से मोहम्मद इब्ने फुज़ैल का सिमा भी साबित है, हदसना के साथ भी वो रिवायत करते हैं, हदसना उमारत इब्नुल काका कहते हैं। अन अबी ज़ुरआ था, ये अबू ज़ुरआ ये हरम, ये हजरत जरीर इब्न अब्दुल्लाह बजली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पोते हैं, और ये भी अपनी कुरियत के साथ मशहूर हैं, जैसे हज़रत अबू हुरैरा अपनी कुरियत के साथ मशहूर हैं। इनका नाम हरम भी बयान किया गया है और मजमा भी इनका नाम बयान किया गया है और मामर भी इनका नाम बयान किया गया है। तो खैर ये हज़रत अबू ज़ुरआ रज़ी अल्लाह, हज़रत अबू ज़ुरआ रहमतुल्लाह अलैह, ये इमाम हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खुसूसी शागिर्द, उनके मुलाज़मीन में से थे, और शागिर्द ऐसा ही होना चाहिए जो सारी ज़िंदगी इंसान के साथ जुड़ा रहे, ऐसा नहीं कि कुछ देर पढ़ा और उसके बाद उस्तादों को भूल गए, नहीं, उस्तादों के साथ जुड़े रहते हैं, उनके साथ वाबस्ता रहते हैं, बाद में भी उनसे रहनुमाई लेते रहते हैं, अपने कामों में भी उनसे मशवरा करते हैं। उस्तादों के साथ अगर इंसान जुड़ा रहे तो इसमें बड़ी खैर और बरकत होती है। तो उनके मुलाजिम शागिर्दों में से ये अबू ज़ुरआ थे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुलाजिम, साथ साथ रहने वाले शागिर्द थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर किसी मजलिस पे उठ के चले गए हैं, घर गए हैं, तो फिर तो अबू हुरैरा बसत में है, लेकिन अगर उठ के कहीं और चले गए हैं तो अबू हुरैरा ने पीछा किया है। बाग में गए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू हुरैरा भी पीछे पहुंच गए। बाग के गिर्द दीवार हुई है, रास्ता कोई नहीं, एक छोटी सी नाली है, उस नाली में कहते हैं मैं ऐसे सुकड़ सुकेड़ के अपने आप को उसके अंदर घुस गया और अल्लाह के रसूल के पास पहुँच गया, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हदीस सुनाई। ये इस तरह एक शागिर्द का उस्ताद के साथ चिमटे रहना, ये इस इलम के लिए बड़ा खैर व बरकत का बायस बनता है, इसलिए उस्तादों के साथ शागिर्दों को मुलाजमत करनी चाहिए। और इसके साथ इलम के अंदर नूर भी आता है और उसके अंदर रसूख भी आता है और उसके अंदर सही बरकत पैदा होती है। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, वक्त ज़्यादा हो रहा है इसलिए बस मैं बात बहुत मुख्तसर कर रहा हूँ। अन्नबी हुरैरा रज़ी अन्नबी ज़ुरआ था अन्नबी हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु काला काला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कलिमतानी हबीबतानी इलर रहमानी खफीफतानी अलल लिसानी सकीलतानी फिल मीज़ानी सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह अल अज़ीम, दो कलमे हैं, दो बोल हैं, कौन से? सुभान अल्लाह व बिहम्दिही और अल्हम्दुलिल्लाह, ये दो कलमे हैं। हबीबतानी इलर रहमान, जो अल्लाह को बेहद महबूब है, हबीबतानी इलर रहमान, खफीफतानी अलल लिसान, जुबान पर अदा करने में बहुत सहल और आसान है, और सकीलतानी फिल मीज़ान, जो अमाल तोलने का तराजू है उसके अंदर ये बहुत भारी है, सकीलतानी फिल मीज़ान। सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक है, अभी हमदी ही अपनी तारीफ़ों के साथ, जो उसकी तारीफ़ें खुद उसने की हैं और ये कायनात कर रही है, और जो उसकी तारीफ़ करने वाले उसकी मखलूकात कर रही है, सारी मखलूक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ कर रही है, कोई ज़ुबान हाल से और कोई ज़ुबान काल से, हर चीज़ अल्लाह की तारीफ़ कर रही है। वाला अलहम्दु फिस समावाति वल अर्द, वलिल्लाहि अलहम्दु फिस समावाति वल अर्द, अल्लाह के लिए तारीफ आसमानों में भी और ज़मीन में भी। तो अल्लाह की तस्बीह और तहमीद जो है ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बहुत ज़्यादा पसंद है। अल्लाह की तस्बीह क्या है ये समझ लें, तस्बीह का माना है अल्लाह की तंजीह, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पाक और मुनज़्ज़ा बेऐब और बेनक्स मानना, कि उसकी ज़ात में कोई नक्स और ऐब नहीं, उसकी सिफात में कोई नक्स और ऐब नहीं, कोई उसका शरीक नहीं, कोई उसका मद्दे मुकाबिल नहीं, कोई उसकी टक्कर का नहीं और कोई उस जैसा नहीं, ना अपने आप को उस जैसा है और ना उसने ही कोई अपने जैसा बनाया है। लोगों ने ये फलसफे बनाए हुए हैं कि जी जाती तौर पर तो नहीं है लेकिन अताई तौर पर है, नहीं, ना कोई जाती ना कोई अताई, ना कोई अपनी ज़ात से उस जैसा है और ना कोई उसने अपने जैसा बनाया है।
अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में यह हकीकत खोल दी, फरमाया अल्लाह ताला तुम्हें तुम्हारी अपनी मिसाल देकर बताता है, ज़रबा लकुम मसलन मिन अनफुसिकुम हलकुम मिम्मा मलकत ईमानुकुम मिन शुरका फीमा रज़क़नाकुम, और जो तुम्हारे ज़ेर दस्त होते हैं, तुम्हारे मुलाजम होते हैं, तुम्हारे मतहत होते हैं, जिनको तुम दुकान पर बिठाते हो, अपनी सीट पर बिठाते हो, तुम्हारा काम करते हो और तुम उनके मोहताज भी होते हो, तुम ये पसंद करते हो कि ये तुम्हारे बराबर हो जाए, पसंद करते हो? तुम तो ये पसंद नहीं करते, और मैं तो किसी का मोहताज भी नहीं हूं, और मैं अपने बराबर पैदा कर लूं, बल्कि मेरी मखलूक में ऐसे हो जाए जो मुझसे भी पढ़ जाए, ये कैसे हो सकता है? लेकिन इस मुआशरे के अंदर, हमारे इस माहौल के अंदर अलमिये की बात है और दुख की बात है, ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस तरह की बातें करते हैं कि अल्लाह के बंदों को अल्लाह से बढ़ा देते हैं, कहते हैं अल्लाह अकबर, वो भी लासानी ये भी लासानी, वो हुक्म करे ये मोड़ देवे, वो तोड़ देवे जोड़ देवे, ला इलाहा इल्लल्लाह, सुभान अल्लाह अम्मा युशरिकून, सुभान हु व तआला अम्मा यसिफून, सुभान अल्लाह का असल माना ही ये है कि अल्लाह की अहदियत, उसकी वहदानियत और उसकी समदियत को समझकर इंसान हर किस्म के शिर्क की नफी करके ये कहे ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर, लहुल किबरियाउ फिस समावाती वल अर्ध, वो सरदार है और सरदारी उसकी इंतहा को पहुंची हुई है, बाकी सारी सरदारियां उसके सामने आकर खत्म हो जाती हैं, सिर्फ उसी के लिए सरदारी है, बाकी सब उसके गुलाम, बाकी सब उसके बंदे, बाकी सब उसके दर के सवाली, उसके घर के फकीर, और उसके सामने झोली फैला के मांगने वाले उसके मोहताज। यसअलुहु मन फिस समावाती वल अर्ध, आसमानो जमीन की हर चीज उसी से मांग रही है और उसी से मिल रहा है, वही दाता है वही देता है, बाकी सब मांगते हैं और बाकी सब फकीर। तो ये सुभान अल्लाह, ये अल्लाह की तस्बीह है, इसी शऊर के साथ ये कहनी चाहिए, और ये सारी कायनात अल्लाह की तस्बीह कर रही है, वइन मिन शयइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही, हर चीज अल्लाह की तस्बीह कर रही है, और इसके साथ अल्लाह की तारीफ, सनाउ जमील, अल्लाह की खूबी और अल्लाह का कमाल, अल्लाह का जमाल, अल्लाह रब्बुल इज्जत की नेमतें, उसकी नवाजिशें, इनका बयान करके अल्लाह की तारीफ व तौसीफ करना, अल्लाह अकबर, हमदो सना अल्लाह की तारीफ करना, लेकिन इसके अंदर मोहब्बत और ताज़ीम, इंसान का दिल अल्लाह की मोहब्बत से मामूर हो और उसके दिल में अल्लाह की अजमत व जलाल और उसकी किबरियाई और उसके जबरूत का ऐसा तसव्वुर हो कि इंसान के दिल में कोई शोखी ना आए, इंसान के दिल में कोई ऐसी बात ना आए कि इंसान अल्लाह रब्बुल इज्जत की अजमत को फरामोश कर दे, नहीं, हमेशा उसके जलाल व जबरूत के सामने इंसान को बहुत ज़्यादा हसास होना चाहिए। वो मेराज की हदीसें हैं, उनके अंदर एक हदीस मैंने पढ़ी और सही हदीस है, शेख अल्बानी रहमतुल्लाह अलैह ने उसे सही कहा है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने जिब्रील को देखा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह के जब करीब हुए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास पराए रास्त तो नहीं जाते, अल्लाह का कुर्ब मिलता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में मैंने जिब्रील को देखा ऐसे जैसे वो सीधा टाट जमीन के ऊपर बिछा हुआ होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अजमत का यह हाल है, और जितना कोई अल्लाह का इल्म रखने वाला है उतना ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अजमत और जलाल को ज्यादा बरूज रखने वाला है। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आना आलमुकुम बिल्लाह, मैं तुम में सबसे ज्यादा अल्लाह की जात का इल्म और मारिफत रखता हूँ जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे दिया है, वह अख्शाकुम लिल्लाह, और सबसे ज्यादा मैं अल्लाह की खशियत रखने वाला हूँ। और अजीज़ा ने गिरामी, उलमा का असल इम्तियाज यही खशियत होती है, अल्लाह की मारिफत और अल्लाह की खशियत। आज मालूमात हैं, मसाइल मुनाजरे और अपना मसलक, अपनी जमात और अपना मनहज, लेकिन अल्लाह की मारिफत उसके असमा व सिफात के साथ और उसके साथ वो बंदगी और मोहब्बत का ताल्लुक, मोहब्बत का और खौफ और रजा का और तवक्कुल और इनाबत का और इखबात का और तस्लीम और रजा का और शुक्र और वफा का, ये जो अमाल कल्बिया हैं ये कमज़ोर पड़ गए, ये कमज़ोर पड़ गए, इसीलिए इल्म में बरकत नहीं रही, इसलिए माहौल में वो तासीर नहीं रही। वगरना हमारे दादा उस्ताद हजरत हाफिज मोहम्मद साहब गोंदलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं इमाम अब्दुल जब्बार गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में गया अमृतसर, मदरसा तक़वियतुल इस्लाम में पढ़ने के लिए, और वहाँ जो रूहानियत का मैंने माहौल देखा, कहते हैं कि मैंने 8 दिन वहाँ गुजारे और जो मेरे ऊपर रूहानियत का असर था, मैं हैरान था कि जो लोग यहाँ रहते हैं इनके दिल फट क्यों नहीं जाते। ये चीज़ है जो अहले इल्म का असल इख्तिसास है, हमें इस पर तवज्जो देनी चाहिए, और ये अहलुल्लाह के साथ मोहब्बत, जो जिंदा हो उनके साथ ताल्लुक और मोहब्बत और उनकी सोहबत में बैठना,
और जो दुनिया से चले गए उनकी किताबों के साथ रहना, और ख़ास तौर पर कुरान मजीद जो इंसान को अल्लाह के साथ जोड़ने वाला है, और हदीस नबवी और सीरत नबवी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इंसान को जोड़ने वाली है। इसका अहतमाम करें अपनी तरबियत के लिए, अपने ईमान के लिए, अपने इस्लाह के लिए, पढ़ाने के लिए और दर्स देने के लिए नहीं, अपनी इस्लाह के लिए, अपने तज़किए के लिए, अपनी तकमील के लिए, अपनी इंसानियत की तामीर के लिए। और अज़ीज़ान गिरामी, आपने ये इंतज़ामी मरहला तो मुकम्मल कर लिया, लेकिन ताल्लुम का और तहसील इलम का मरहला ज़िंदगी भर ख़त्म नहीं होता। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का जो कौल उन्होंने नकल किया हज़रत अब्दुल्लाह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, वो आपने पढ़ा, तफक्कहू क़ब्ला अन तुसव्वदू, ज़िम्मेदारियाँ पढ़ने से पहले फ़काहत हासिल कर लो, दीन की समझ हासिल कर लो। और इमाम अबू अब्दुल्लाह बुखारी ने क्या कहा, वबादा अन तुसव्वदू, ज़िम्मेदारियाँ मिलने के बाद, शेखुल हदीस बनने के बाद, खतीब पाकिस्तान बनने के बाद भी तफक्कहू, यह तफक्कह का सिलसिला जारी रहना चाहिए, इलम पढ़ते रहना चाहिए। और इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने जामे के अंदर फरमाया, ताल्लम क़ब्ला अन तुसव्वदू वबादा अन तुसव्वदू, इलम सीखते रहो, और इलम सीखते रहने से ही आता है। और ये अगर तहसील इलम का सिलसिला मौकूफ़ कर दिया जाए, इलम का जवाल शुरू हो जाता है। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा, यूनिवर्सिटियों में जाओ, कॉलेजों में जाओ, हुकूमती इदारों में जाओ, लेकिन मस्जिद और मदरसे से ताल्लुक न कमज़ोर करना, मस्जिद से जुड़े रहना, मदरसे से जुड़े रहना। ये मदरसा आपको असहाबे सुफा के साथ जोड़ देता है, और ये मस्जिद आपको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जोड़ देती है, जिनका मिंबर, जिनकी मसनद और जिनका मुसल्ला इस मस्जिद के अंदर है, इसके साथ जुड़े रहें। और बाकी अपने मुस्तकबल की फिक्र ना करें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों को ज़ाया नहीं करता, अल्लाह अपने बंदों को ज़ाया नहीं करता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको आलिम बामल बनाए, दीन का मुखलिस दाई बनाए, उम्मत का मुसलह बनाए। और सच्ची बात है, ये मरकज़ुल मुवद्दा अल खैरी जो हमारे मोहसिनीन का और हमारे मुख्तरम हाफिज़ अब्दुल करीम साहब हाफिज़ाउल्लाह और उनकी ये टीम, हाफिज़ नज़ीर मोहम्मद नज़ीर साहब और उनके लिए रफ़का शेख अताउल्लाह साहब और सारे असातिज़ा जिन्होंने इस मरकज़ की आबियारी की है और यहाँ ये फैज़ का सर चश्मा जारी किए हुए हैं, ये मोहब्बतें बांटने वाला मरकज़ है। यहाँ से लोगों को प्यार मिलता है, मोहब्बत का पैगाम मिलता है, और ये खैर की खैरात तकसीम करने वाला इदारा है। इसको मजबूत करें, इसे तवाना करें, इसे और ज़्यादा फ़ाल करें, अपने बच्चों को यहाँ भेज करके वो पढ़ें और इसको मजबूत करें, इनके दस्तोबाजू बने, इनके साथ खड़े हों। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसे कायम रखे, यहाँ के असातिज़ा के इल्म अमल में बरकत फरमाए, और यहाँ के जो मोहसिनीन और मुआविनीन हैं उनके माल में, उनकी ज़िंदगियों में और उनकी सेहत में, उनकी औलाद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बरकत फरमाए, और हम सबको दीन पर इस्तक़ामत नसीब फरमाए, और अल्लाह ताला इस दीन के रास्ते में हमें कबूल फरमा लें। मैं माजरत करता हूँ मुंतज़मीन से कि बात लंबी हो गई, और हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फरमाए, और जो कमी कोताही रह गई अल्लाह माफ़ फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।